बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एतदाद हसन ने जो गुफ्तगू की है उसने पाकिस्तान के हर इदारे को वार्निंग दे दी है कि हमारी रेड लाइन चीफ जस्टिस है, उसने हुक्म दे दिया है अगर तुमने इंतखाबात नहीं करवाए, किसी ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी ने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, तो एतदाद हसन ने कहा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई है और इतना बड़ा खेल होगा कि उन्होंने आज इंडिकेट कर दिया है कि हमारी रेड लाइन है, यानी अगर तुमने इलेक्शन ना करवाया तो हम पूरे पाकिस्तान में वकला सड़कों पर आने वाले हैं और ऐसी की तैसी किसी की कोई इलेक्शन ना करो। उन्होंने कहा इमरान खान अगर रेड लाइन है तो ये रेड लाइन है हमारी। अब एतजाज हसन की गुफ्तगू इस वक्त जो हर पैमाने पर हो रही, क्योंकि आज उन्होंने बता दिया है कि वकील सड़कों पर आएंगे क्योंकि इंडिकेट कर दिया, उनका इशारा था कि रेड लाइन है, क्या गुफ्तगू की है जिसके बाद इस वक्त खलबली मची है, ये जरा गुफ्तगू सुनने वाली है एतजाज हसन की, उसके बाद आपको पता चलेगा याद इमरान खान को कितनी बड़ी सपोर्ट मिली। सुनिए जरा, इमरान खान के इर्द गिर्द एक रेड लाइन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, जहां 5 जज बैठे थे वहां 7 कैसे बना दिए, किसी ने देखा, किसी कैमरे की आंख ने देखा, वहां 2 दिन बहस होती रही, तो वो 7 जज थे, वो 7 दो दूसरे जजों की रूहें 7 बैठी हुई थी, हमें तो नजर नहीं आया, वो अकेली आई रही है यहाँ, उसके भाई भागे रहे हैं, भगौड़े रहे हैं, ऑडियो टेप मैन्युफैक्चर किस तरह होती हैं वो आपने देखा, जो साकिब निसार साहब की उन्होंने दी, इलेक्शंस को किसी बहाने 90 दिन से ज़्यादा करने की कोशिश की गई, जो महकमा करेगा कि हम पैसे नहीं दे सकते, जो महकमा करेगा कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, जो महकमा करेगा मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा, क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, पर वो हमारी रेड लाइन है, उनके अहकाम और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे मन वन अमल करना लाजिम है, इलेक्शन कमीशन पे भी, हकूमत पे भी, निगरान हकूमत पे भी, और नीचे मातहत अदालतों को भी, और तमाम इंतजामिया जो वहाँ से बात चली है कि 5 मेंबर बेंच था कि 7 मेंबर बेंच था, बेंच जिसने ये इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है वो 5 मेंबर बेंच था कि 7 मेंबर बेंच था, ये इख्तरा जो निकाली है लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये 5 मेंबर नहीं थे, 7 जज थे, भाई वहाँ कमरे में 5 बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली लाइन कहती है बाई ए मजॉरिटी ऑफ 3-2, और जो 2 जज हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब 2 हमारे फादिल बरादरन और भी बैठे हुए हैं तो ये 7 मेंबर बेंच है, ये कंफ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है जिसके बायस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुली तौहीन अदालत कर रहा है कि उस पर तो ये वाजिब था, लाजिम था कि वेयर द गवर्नर हिमसेल्फ डिसॉल्व्स द असेंबली ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज, ये नहीं कहा कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज थ्रू फॉर द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन। अब उसके बाद भी टाइट रखा हुआ है, टाइट क्या रखा है कि आगे कहा है कि पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे, शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द इलेक्शन अनलेस सूनर कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी 21 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, 90 दिन जमा 21 दिन, 111वें दिन ये निगरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इनका इख्तियार, कोई हुकूमत नहीं रहेगी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में, और जो गवर्नर तो पख्तूनख्वा इसका इसकी कोशिश, जिनकी कोशिश है कि ये तूल पकड़े 90 दिन वाला, वो भी तौहीन सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, 5 जजेस का बेंच था, हतमी तौर पे हम ये बताना चाहते, इस पे मैं एक चीज़ और रात को अर्ज कर दूँ, ये मेरी गौर बात गौर से सुन,
नून लीग के मतवालों की निगाह में दुरुस्त तौर पे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ उनकी रेड लाइन है। उनको कुछ आंच भी आती है तो नून लीग के साथ हम भी होंगे और हम दुआगो हैं उनकी जिंदगियों की। मेरे लिए बतौर पीपल्स पार्टी इसी तरह रेड लाइंस हैं अराउंड चेयरमैन बिलावल और चेयरमैन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इनको कुछ हुआ तो वो सारा माहौल फिर हमारे काबू में शायद ना रहे। इसी तरह इमरान खान के इर्द गिर्द एक रेड लाइन है, ये जो शिबली या उसके दूसरे साथी इमरान खान के कहते हैं कि हमारे लिए रेड लाइन है इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के भी रेड लाइन है उसके बतवालों की। एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो साजिशें अब हो रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही। मैं पाकिस्तान के वकला की जानिब से ये उनका आदर्श जानते हुए अर्ज करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। उसके खिलाफ साजिशें हुई, उसके फैसले को, ये जो फैसला आया है जिसके तहत इलेक्शन पंजाब का हो रहा है, इसको कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, इलेक्शंस को किसी बहाने 90 दिन से ज़्यादा करने की कोशिश की गई। जो महकमा करेगा कि हम पैसे नहीं दे सकते, जो महकमा करेगा कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, जो महकमा करेगा मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा और ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। और मैं शहबाज शरीफ साहब को मुअद्दबाना अर्ज करना चाहता हूँ, हम समझते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इस मुल्क में माशरे को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। हम उनकी जिंदगियों के दुआगो हैं। इसी तरह आप सब बिलावल और आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान, और अब मैं ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है। फिर वकला क्या करेंगे, फिर एक 2007 वाली मूवमेंट शुरू होगी, क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, पर वो हमारी रेड लाइन है। उनके अहकाम और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे मन वन अमल करना लाजिम है, इलेक्शन कमीशन पे भी, हकूमत पे भी, निगरान हकूमत पे भी और नीचे मातहत अदालतों को भी और तमाम इंतजामिया। आपने इत्तेहाद हसन की गुफ्तगू सुनी। अब इसके बाद एक चीज आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई है कि अगर किसी ने कोई हैंकी बैंकी करने की कोशिश की तो फिर आप जहन में रख लीजिएगा उसके बाद वकील होंगे और सड़कें होंगी और इमरान खान होगा, क्योंकि अब आपको दो ताई अक्सरियत वाला इमरान खान फेस करना ही पड़ेगा। जितनी लाशें गिरानी थी गिरा ली। अब अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो उसके बाद पाकिस्तान के वकला सड़कों पर आ गए तो गेम इज ओवर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।